गडकरी के कार्यालय में धमकी भरे फोन करने वाले कांता का कनेक्शन दाऊद गैंग से होने की शंका व्यक्त की जा रही है। आईबी ने भी कांता से कड़ी पूछताछ की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क अधिकारियों ने बुधवार को कांता की गहनता से जांच पड़ताल की। कांता 14 अप्रैल तक धंतोली पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों के आधार पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को भी अलर्ट कर दिया गया है। बुधवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली से आई एक टीम ने धंतोली थाने पहुंची। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों को प्रबल संदेह है कि कार्यालय बुलाकर 100 करोड़ की फिरौती मांगने वाला कुख्यात जैश पुजारी उर्फ जापेश कांता उर्फ साकिर उर्फ साहिर दाऊद गिरोह से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की एक टीम ने दिवभाषी भी तास के साथ ही दिवभाषी कन्नड़ भाषा में इसके माध्यम से कांता से पूछताछ की। 11 घंटे की जांच के बाद शाम करीब 7 बजे टीम वापस चली गई। आईबी के अधिकारियों की जांच के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा भी उसकी जांच किए जाने की संभावना प्रबल होती जा रही है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस मामले की जांच एएनआई के पास जाएगी। कांता ने 14 जनवरी और बाद में मार्च में बेलगाम जेल से गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय को धमकी भरे फोन किए थे। दोनों बार उसने कहा कि वह डी गैंग का सदस्य है। जयेश पुजारी एलियास शकीर, इसको ये हमारे पिछले 15 से 17-18 दिनों से हमारे पुलिस कस्टडी में था। इसमें बहुत डिटेल इंट्रोगेशन उसकी की जा रही थी। इंट्रोगेशन में कुछ सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स हुए हैं, कुछ बातें सामने आई हैं जिसके वजह से UAPA एक्ट के सेक्शंस एप्लीकेबल प्राइमा फेसी हो रहे थे, इसलिए UAPA के रेलिवेंट सेक्शंस इन्वोक किए गए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन जो UAPA में मैंडेटेड नॉर्म्स है उसके तहत ACP बर्डी के पास इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर किया गया है। अभी लीगल प्रक्रिया शुरू है, इसमें और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो हम सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बारे में फिलहाल इससे ज़्यादा खुलासा करना शक्य नहीं है। हाँ, ऐसी बातें सामने आई हैं जिसके वजह से ही UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इन्वोक किया गया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया था, एक स्पेशल टीम DCP जोन 2 राहुल मदने साहब और PI धंतोली श्रीमती प्रभावती एकूर के ये लोग टीम के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें आगे जो भी और कोई खुलासा होगा उसको आपको बताया जाएगा। दोनों बातें हैं, पहले से ज़रूर वो थोड़ा रेडिकलाइज था। जेल में आने के बाद कुछ ऐसे लोगों के साथ उसकी संबंध आई जिसकी वजह से उसकी गतिविधियां बढ़ी थीं, और उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे मॉड्यूल को, इस पूरे जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल थे उसको अनर्थ करने की दृष्टि से ये UAPA इन्वोक किया गया है। ज़रूर ये ऑब्वियस है क्योंकि वो पिछले 12 साल के आसपास 10 साल के आसपास से वो जेल में था और उस दरमियान में उसकी गतिविधियां चलती रही हैं। ज़रूर ये बहुत गंभीर बात है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अत्यंत गंभीरता के साथ इस मैटर की तपास कर रहे हैं। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।